नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनदेशक न्यूज़ में। लखनऊ से अनदेशकों के लिए एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। क्या है वो खबर, हम आपको विस्तारपूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय अत्यधिक कम है, ये सभी जानते हैं, जग जाहिर है, जिसके लिए अनुदेशक लगातार किसी न किसी रूप में प्रयास करते रहते हैं सरकार से मानदेय बढ़ाने को लेकर। यहाँ पर एक लखनऊ से अपडेट निकल कर आई है जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के माध्यम से यानी बेसिक अनुदेशक संघ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात कर अनुदेशकों की समस्या से संबंधित ज्ञापन सौंपा है और उन्हें अवगत कराया है अपनी दयनीय स्थिति। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के सामने। उनके परिवार के भरण पोषण का संकट विकराल रूप धारण कर चुका है, जिसके लिए वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए अनुदेशकों ने मुलाकात की है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी से और गुहार लगाई है कि माननीय हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए। जो हमारा बढ़ा हुआ मानदेय 2017 में हुआ था हाईकोर्ट द्वारा 17,000 रुपये 9% ब्याज के, वो हमें मुहैया कराया जाए। सरकार ने इस संबंध में कोई मानदेय जारी अब तक नहीं किया है। उन्होंने सरकार से मांग की अनुदेशकों को नियमित किया जाए, जनपदीय व अंतर जनपदीय स्थानांतरण का आदेश जारी करने के साथ ही अनुदेशकों को भी मेडिकल व अन्य शिक्षकों की भांति सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का समय भी मांगा है। तो साथियों, इस समय ये खबर वायरल हो रही है और गुहार लगाई है अपनी दयनीय स्थिति को लेकर, अल्प मानदेय में कैसे गुजारा हो। उन्होंने प्रार्थना की कि हमें मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का मौका मिलना चाहिए और हम उनसे मिलकर अपनी फरियाद करेंगे, अपनी दयनीय स्थिति से उन्हें अवगत कराएंगे और क्या क्या समस्याएं हमारे इस जीवन काल में आ रही हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि महाराज जी, हमारा जो मानदेय आदेश जारी हो चुका है माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा 9% ब्याज के, उसे दिलवाने की कष्ट करें। तो ये थी खास खबर, मिलते किसी और अपडेट के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।